कौशल्या दशरथ के नंदन राम ललाट पे शोभित चंदन रघुपति की जय बोले लक्ष्मण राम सिया का हो अभिनंदन अंजन पुत्र पड़े हैं चरण गाइस। तो ये मेरे ना पुराने दिए हैं, ये मेरे पिछले से पिछले साल के दिए हैं, ख़राब हो चुके हैं। इनमें से मैं बहुत से दिए छाटूंगी और कुछ को रखूंगी, कुछ को नहीं रखूंगी। मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये ना बहुत पुराने दिए, ये बिल्कुल प्लेन थे, बिल्कुल ऐसे सिंपल थे, बट मैंने इनको बहुत पहले इनमें कलर किया और कलर करने के लिए मैं इनको पूजा में तो यूज नहीं करती, बट मैं डेकोरेशन के लिए इनको यूज करती हूँ। मैं पूजा में इनको यूज नहीं करती क्योंकि हमारे मतलब सभी लोगों के यहाँ यूज हुए दिए पूजा में यूज नहीं करती, इनको सिर्फ मैं डेकोरेशन के लिए ही सजा लेती हूँ। और जैसे हम लोगों को कहीं डेकोर करना है तो वहाँ पर इस टाइप के दिए मैं रख देती हूँ, मैं पेंट कर लूँ इनको ना, मैंने पानी से धुल ली हूँ और देखती हूँ जो साझा रहेगा दिया वो मैं रख दिया, कहीं से टूट जाता रख जाता वो दिया अभी काम में नहीं आते हैं। तो मैं आप लोगों को बता देती, ये दिया मेरे बहुत ज़्यादा पुराने हैं, बहुत सारे दिए हैं ये, बट इनमें मैंने कलर कर लिया था, तो मैं से रंगोली वगैरह बनाती हूँ ना वहाँ रखने के काम में ये दिए मेरे आ जाते हैं। मैं इन लोगों को इनको पेंट कर लेती हूँ, अच्छे सुंदर सजा देती हूँ मैं, तो इनको ना मैं रंगोलियों के यहाँ पर रख लेती हूँ। मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये जो दिए हैं ना ये 2018 के दिए हैं और इनको ना मैं 19 में मैंने इनको जलाया था क्योंकि जो अच्छे थे, फिर 2020 में मैंने इनको पेंट किया था और 2021 में मेरा ग्रंथ बहुत ज़्यादा छोटा था तो मैंने इनका कुछ ध्यान नहीं दिया था, यूज भी नहीं किया था मैंने इनको क्योंकि बिना कलर किए और बिना पेंट किए मैंने यूज़ नहीं किए थे, तो इनको मैंने रख दिए थे। ठीक है, क्या जब ग्रंथ छोटा था तो मैं इतना सारा काम भी नहीं कर पाती थी, काम के साथ ही साथ में मैंने किसी को भी पेंट नहीं किया था। ये भी है कुछ, ये सब बहुत पुराने हैं, बहुत पुराने पेंट हुए हैं बट मुझे अच्छे लगते हैं और मतलब टूटे भी नहीं हैं, खंडित भी नहीं हुए हैं, तो मैं इनका यूज कर लेती हूँ। और ये कुछ दिए हैं ये प्लेन वाले, इनको भी मैं थोड़ा सा डेकोरेट कर लेती हूँ। अब बात करते हैं, ये भी दिया बहुत ही पुराने हैं, अब बात करते हैं ये वाले दियो, ये वाले दिया अगली साल के यानी कि पिछली साल की है, 2021 के हैं, तो इनको ना नहीं लिए थे मैंने, अगली बार इनको पूजा में यूज किए थे, अब ये पुराने हो गए थे यानी कि इनका दिवाली में कोई यूज नहीं होगा, तो मैं इनको अब डेकोरेट कर लूँगी और डेकोरेशन के लिए इनका यूज करूँगी। जैसे कि हमारे रंगोलियों के आसपास हम लोगों को दिए रखने रहते हैं तो उनके लिए मैं इनको यूज कर लूँगी। और ये कुछ दिया ये तो ख़राब हो गया है, या फिर इसको धुलना पड़ेगा या फिर कुछ काम का ही नहीं रहेगा। ये दिया जो रहते हैं करवे के ऊपर के रहते हैं, और भी कुछ दिए हैं मेरे पास, इन सबको मैंने धो लिए थे एक दिन पहले, धो के धूप में सुखा लिए थे, अब बारी आती है इनको कलर करके डिज़ाइन बनाने की। कुछ दिए तो मैं तो फूट गए, ऊपर से मेरा बॉक्स गिर गया था, अब इन सबके मैं डिज़ाइन बनाऊँगी और आप लोगों से शेयर करूँगी, ताकि अगर आप लोगों के पास भी कुछ पुराने दिए हैं तो आप उनको कलर करके पेंट कर सकते हैं और उनको डेकोरेशन के लिए काम में ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग डेकोरेशन के लिए भी न्यू दिए ले, हम लोग कैंडल का भी यूज कर सकते हैं जो कि मैं लेकर आई हूँ। अभी मैं एक ब्लॉग बनाऊंगी, उसमें मेरी जो भी दिवाली की तैयारी या दिवाली का जो भी सामान मेरा डेकोरेशन का रहेगा वो मैं आप लोगों को शेयर करूंगी। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये जो दिए हैं इनको हम लोग समय पुराने दिए हैं, टूटे नहीं हैं, साजे हैं, तो उनको धो सकते हैं अच्छे से हम लोग, ताकि ये कालापन छूट जाए, अच्छे सुखा सकते हो, उनको हमारे किसी भी कलर से इनको पेंट कर सकते हो, डेकोरेशन के लिए ये बना मतलब यूज में ले सकते हैं। तो वही मैं करने वाली हूँ आज, इन सबको मैंने धो लिए थे, सब कुछ कर लिए, अब मैं इनको करूँगी पेंट और आप लोगों से शेयर करूँगी। आई होप आप लोगों को मेरा ये आइडिया और मेरी वीडियो पसंद आती है, वीडियो में बने रहिएगा, आगे ऐसी अपडेट आपको मिलती रहेगी। एंड मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, एंड मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा, मेरे वीडियो को भी शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ में। ठीक है, तो वीडियो करते हैं स्टार्ट एंड बात करते हैं कम।
तो सबसे पहले ये जो पुराने दिए हैं इनको मैं साइड में रख देती हूँ, जो भी हमारे नए दिए हैं यानी कि जो यूज हुए अगले साल के दिए हैं उनको मैं पेंट करूँगी। इस टाइप के प्लान जो दिया है इनकी, ये थोड़ा सा ख़राब हो चुका है, ऑफकोर्स नहीं पूरा ही ख़राब चुका है, तो ये हमारे किसी भी काम का नहीं, इसको हम साइड में निकाल देंगे। ये है इस टाइप का हम लोग दिए ले सकते हैं और इनको हम लोग पेंट करके अच्छे से सजा सकते हैं ताकि ये हमारे डेकोरेशन के काम में आ सके, क्योंकि हम लोगों को रंगोलियों में भी दिए रखने का बहुत शौक रहता है और अच्छा भी लगता है, और बहुत सारे दिए जलाने का शौक रहता है और अच्छा भी लगता है। घर में जितने दिए जलते हैं उतना ही घर में अच्छा लगता है। तो हम लोग इस तरीके से हमारे पुराने दिए को सजा के नए दिए बना सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एंड ये मैं बता देती हूँ, मैं इस तरह के कलर लेके आई हूँ क्योंकि मैंने ना ये वाले कलर लिए हैं क्योंकि 30 रुपये का पैकेट आया था, क्योंकि ये मुझे ज़्यादा काम में नहीं पड़ते हैं, अब तो बिल्कुल भी नहीं पड़ते हैं, इस कारण से मैंने ये छोटा वाला पैक लिया है। तो मैं आपको बता देती हूँ, इसमें कुछ ग्लिटर वाले भी है, गोल्डन है, सिल्वर है, एंड इसमें काफ़ी ज़्यादा कलर बढ़ चुके हैं, एंड इसमें ब्लू भी है ग्लिटर वाला। पहले जो मैंने बहुत पहले एक सेट लिया था उसमें बिल्कुल मतलब दो सेट आए थे ग्लिटर वाले, एक दो था, बट इस बार थोड़ा सा बढ़ गया है। मैं आप तो गाइस ये मेरा ग्रंथ आ गया है उधम करने को। ये कुछ मेरे पिछले साल के कलर हैं बट ये ख़राब हो चुके हैं और ये दो सेट ही थे इसलिए मेरे को इस बार लेना पड़ा। तो ठीक है, मैं स्टार्ट करती हूँ। तो मैं सबसे पहले ना वाइट कलर कर लेती हूँ। आप चाहें तो डायरेक्ट कलर भी कर सकते हैं वरना वाइट कलर भी कर सकते हैं। वाइट कलर करने से क्या रहेगा, हमारा जो हम लोग अदर जो कलर करेंगे ना वो बहुत अच्छे से आ जाएगा। कलर हो गया है एक में, इसके बाद में दूसरा दिया लेती हूँ। लक्ष्मण राम सिया का हो अंजन पुत्र पड़े हैं चरण में, राम सिया जपते तन मन में, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। मैंने बहुत सारे दिए को वाइट कर ली हूँ और पीछे कुछ इस तरीके से डिजाइन बनाई हूँ, थोड़ा सा एंटिक लगेगा। मैंने ना कुछ येलो कलर करके देखा, मैंने कहा येलो देखती हूँ, बट येलो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, वाइट थोड़ा सही लग रहा है। अब ये कुछ कलर सूख गए हैं, यानी कि ये कलर मैंने पहले की थी ये सूख चुके हैं, अब इनमें कुछ डिजाइन बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद डिज़ाइन के लिए हम लोगों को लेना है कोई सा भी कलर, आप ले सकते हैं और जो डिज़ाइन आपको बनाना है कुछ इस तरीके से पतले ब्रश से आप डिज़ाइन ले बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं आपको जो डिज़ाइन पसंद है या कुछ भी। मैं कोशिश करती हूँ कुछ अच्छा सा बनाने का। वैसे तो मेरे से मतलब पेंटिंग वगैरह कुछ आता नहीं है, बट मैं कुछ थोड़ा बहुत डिज़ाइन बना लेती हूँ, तो कुछ इस तरीके से कुछ भी डिज़ाइन बन गया है। इसके बाद मैं एक दिया में ना स्वास्तिक बना देती हूँ, जो स्वास्तिक की जो आजू बाजू की डंडियाँ रहती हैं उनको लगा देती हूँ, थोड़ा सा ग्लिटर वाला कलर ले लेती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा वाइट कलर से एयर वर्ड की मदद से थोड़ा सा मैंने डिज़ाइन दे दिया है। अभी वाइट कलर में थोड़ा सा मैंने ना ब्लू कलर का लिया हुआ है कलर, और थोड़ा सा ब्लू कलर और वाइट कलर को आप देख सकते हैं कितना प्यारा मतलब सुंदर लग रहा है दिया, और मेरे पास ब्लू कलर का ग्लिटर था मैंने उसको भी लगा दिया है। एंड ये रेड वाले को मैंने बहुत सुंदर सजाया है। एंड मेरे साथ क्या हुआ पता, मैंने वीडियो बनाते बनाते ना मेरा जो फ़ोन था पता नहीं क्या हो गया था, बंद हो गया था, तो मैं सबका नहीं बना पाई। फिर मैंने रात में 3 घंटे लगे थे मुझे दीपक सजाने में, दीपक सजा लिए हैं मैंने, और देखिए मैंने राम जय सिया राम राजा राम 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 राजा राम ये कुछ लिखा हुआ है, बहुत से दियों मैंने राम जी का नाम राम सीता जय सिया राम इस टाइप का कुछ लिखा हुआ है, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या डिज़ाइन बनाऊँ मैं, और जो भी मुझे डिज़ाइन आई समझ में मैंने बना दी वो।
और फिर रात को मेरे पास टाइम बचा था तो मैंने, मेरे पास ना एक रोल डाला हुआ था कार्डबोर्ड का, तो मैंने इसमें ना ये गिफ्ट पेपर को चिपका के और ये थर्माकोल की गोली को चिपका के, थोड़े से कांच को चिपका के मैंने कोशिश किया है कैंडल होल्डर बनाने का, तो ये बन गया है। सिद्धिया रख दिया मैंने उसके ऊपर, और ये हमारे घर में रात में ये लोग लाइट भी लगा रहे थे, मैं अपना काम कर रही थी, फ़ोन ख़राब होने की वजह से मैं कुछ चीज़ को शूट नहीं कर पाई। इसके बाद ये मैंने कुछ बहुत पहले, यानी कि मैंने बहुत ही पहले डीमार्ट्स गई थी जब मैं ब्लॉग डाला था, फिर वहाँ से कुछ एक दो से मैंने ये कैंडल होल्डर लिए थे। ये कैंडल होल्डर डीमार्ट के ही 69 में एक आया था, मैंने दो लेकर आई थी, तो इसमें हम लोग कैंडल को डाल सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगेगा, मतलब डेकोरेट का आइटम ही है। मैंने इसलिए नहीं बताया था जब मैंने सोचा जब मैं दिवाली की चीज़ों की जब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैंने क्या क्या शॉपिंग की, तब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। और ये है लक्ष्मी जी के पैर है, उनमें दिया है, ये मैंने करवा चौथ की शॉपिंग के टाइम पर लिए थे, और ये जो आप रेड दिए देख रहे हैं ये भी मैंने करवा चौथ की शॉपिंग के टाइम लिए थे। बट मैंने शेयर इसलिए नहीं कि मैंने सोचा कि मैं ना दिवाली की तैयारियों के साथ में आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। एक बड़ा दिया ही भी मैंने बहुत पहले लिया था। इसके बाद में बात करते हैं, ये हम ग्रंथ के लिए कुछ कपड़े लेने गए थे विशाल मेगा मार्ट, मैंने आप लोगों का ब्लॉग शेयर किया था, वहाँ से कुछ कैंडल ली थी मैंने, और ये मोम वाले दिए लिए थे, और ये जो आप दिए देख रहे हैं ये मैंने लोकल शॉप से लिए थे। आई होप आपको मेरी तैयारी पसंद आई, होप मेरी तैयारी पसंद आती है। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ऐसे ही आपका दिन शुभ हो एंड हैप्पी धनतेरस। एंड ये ब्लॉग लेट हो गया है क्योंकि मैं दूसरी तैयारियों में लगी थी। आई होप आपको सब कुछ पसंद आता है, पसंद आता है प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, एंड शुभ दीपावली, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए अपने परिवार के साथ। बाय बाय, थैंक यू।